नाकड़ी फाजलपुर वार्ड नंबर 4 में वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले गरीब बेरोजगार लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। कई बार वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद से कहा, लेकिन कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। तो इकट्ठा होकर डूडा अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी समय लगेगा यह कहकर लोगों को टाल दिया। काफी समय से क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए डूडा कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो पा रहा। वार्ड नंबर 4 लाकड़ी में पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान बनवाए गए हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि पार्षद पति कपिल देव द्वारा मोटी रकम वसूल कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को दिलाया गया है जिनके पहले से ही लिंटर के मकान बने हुए थे, और लोगों ने लिंटर तुड़वा कर वार्ड नंबर 4 के पार्षद के द्वारा बनवाए गए हैं। इससे वाल्मीकि समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। इस बात की शिकायत पार्षद से करते हैं तो वे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें धमका कर भगा देता है। संतोष, तो क्या समस्या आपकी? ये कॉलोनी के बारे में फॉर्म भरे थे हमने तीन साल पहले। अच्छा। और जाते रहते हैं तो उन कहते हैं तुम्हारा काम हो गया और काम कराते नहीं है। कौन? सभासद। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं काम हो गया तुम्हारा, और जाते हैं तो यहाँ डूडा ऑफिस में आते हैं तो यहाँ भी ऐसे फिटकारे देते हैं हमें। तो कौन सी योजना में आपने आवेदन किया था? यही प्रधानमंत्री योजना चल रही है ये कॉलोनियों की। अच्छा, तो उसमें भी तो आपको मकान नहीं मिले हैं? ना। कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए। सूरज पाल सिंह जी, क्या समस्या आपकी? समीक्षा ये था, मेरा गोलों का मकान है, कच्ची छत है, टूटे हुए गोले, इससे मैंने हम बड़ी मुश्किल से कर्जा करके बांस और पिन्नी डाली इसमें, और मेरे मकान की मतलब वीडियो लखनऊ तक गई हुई है कॉलोनी की, लेकिन अभी तक पार्षद जी हमें समझाते रहे, बोले ऐसा है हम आज करा रहे हैं कल करा रहे हैं, और हमें अब रामलीला तक का जो है दीपावली तक का समय दिया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं समझे। और हम इतनी परेशानी है कि हमारा घर गहरा है, सड़क ऊंची होने के उपरांत, और हमें मच्छर भी काटते हैं, पानी भी घर में भर जाता है सर बारिश। तो क्या समस्या आ रही है सामने? समीक्षा ये है साहब कि हमें जो है आवास मिलना चाहिए, और हम बहुत परेशानी से हैं, बीमारी भी हो जाती है हमें, बुखार में परेशानी में हम जूझ रहे हैं, कम से कम पूरा बारिश निकल गई। ठीक है, मेरा दीपक वाल्मीकि नाम है जी। आप डोडा ऑफिस आए हैं, क्या समस्या आपकी? समस्या यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वाल्मीकि समाज को मकान नहीं दिए जा रहे हैं, और ना ही उनकी कोई सुनवाई की जा रही है। लगभग 3 बार सो चुके हैं, इन्हें कागज दिए हुए अपने चक्कर और ये अपने कई चक्कर लगा चुके हैं। पार्षद पति का कहना है कि कोई अगर पाई पैसा नहीं दोगे तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, और उन्होंने खुद हमें 1.5 वर्ष पूर्व लिख के दिया है कि मैं अपने जितने भी आपके आवेदन थे वाल्मीकि समाज के, मैं परियोजना अधिकारी जी को दे चुका हूं, लेकिन 1.5 वर्ष से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। परियोजना अधिकारी जी के पास आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं होती है। बार बार आते हैं, कह दिया जाता है कि डीपीआर में नाम है, लेकिन 1.5 वर्ष के अंदर कम से कम वार्ड 4 के अंदर कम से कम 500-600 कॉलोनियाँ बनवाई गई हैं, लेकिन उसमें वाल्मीकि समाज की एक भी कॉलोनी नहीं बनवाई गई है। इनकी वाल्मीकि समाज की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल घर में रहने से मजबूर हैं, बच्चे तक इनके परेशान हैं, और बीमारी घर में पानी घुस जाता है हमारा तो बीमारियां जो हैं वो सर पसार रही हैं बिल्कुल एकदम। और जो है उनके पास जाते हैं पार्षद जी के, वो कहते हैं कि जब तक पैसे नहीं आएंगे जब तक आपका काम नहीं होगा, और समाज के लोगों ने उन्हें पैसे दे दिए हैं, उन्होंने लैंटर तुड़वा कर जिनके पास दो मकान है जिनके पास उनके मकान तुड़वा कर लैंटर तुड़वा कर मकान बनाया है। जब भी हम यहाँ आते हैं परियोजना अधिकारी जी के पास, पार्षद से मिली भगत है इनकी, ये मुझे नहीं लगता, लेकिन जो है मिली भगत है ये लगता है मुझे, क्योंकि अभी हम आए हैं उनसे मिलने के लिए। सुबह पार्षद जी ने समय दे दिया था कि परियोजना अधिकारी से आप मिल लेना, लेकिन परियोजना अधिकारी अभी नहीं है। हमने फ़ोन पे भी संपर्क किया तो उन्होंने हमें 4:30 बजे का समय दिया है, लेकिन पार्षद पति द्वारा हमारी कोई मांगे पूरी नहीं करी जा रही हैं। और ये कहते हैं कि बीजेपी में अनुसूचित जाति मोर्चा से मैं जिला महामंत्री हूँ, अगर ज़्यादा करोगे तो किसी भी मुकदमे में आपको लपेट दूंगा, मेरी बीजेपी में बहुत अच्छी रेट पेट है, मंत्रियों से मेरी बहुत अच्छी टच में है मंत्री मेरे। ठीक, आप कहीं भी चले जाओ कोई सुनवाई आपकी नहीं होगी।